लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, पॉइंट, कवर, शायद ही फील्ड का कोई हिस्सा बचा जहां रोहित शर्मा ने आरसीबी के फील्डर्स को ना दौड़ाया हो। रोहित का बल्ला आग उगलता रहा और उनके शॉट्स तूफान लाते रहे। रोहित जब बैटिंग करने आए थे तब मुंबई का स्कोर था 0-2, लेकिन पहले हौले हौले पारी को रोहित ने आगे बढ़ाया, फिर कब बल्लेबाजी एक्सिलरेट करते हुए 180 के स्ट्राइक रेट पर पहुंचा दिया पता ही नहीं। रोहित चौथे नंबर पर आए थे और तीसरे नंबर केविन लुइस के साथ साझेदारी निभाई, बेहतरीन साझेदारी, और टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। 10 चौके, 5 छक्के रोहित की तूफानी पारी को बताने के लिए काफी है। रोहित ने 52 गेंदों का सामना किया और 94 रन बनाए। हालांकि रोहित शतक बनाने से चूक तो जरूर गए, लेकिन उनकी इस पारी ने टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। इससे पहले रोहित ने आईपीएल 2018 में 3 मैचों के दरमियान सिर्फ 44 रन बनाए थे, लेकिन चौथे मैच में उनके बल्ले ने वो कमाल कर दिखाया जिसके लिए रोहित जाने जाते हैं। इस हिटमैन की वजह से ही मुंबई इंडियंस ने 213 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया।